हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कैंडल के बारे में बेसिक जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग इस चैनल पर एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं। कैंडल को जानेंगे, कैंडल पैटर्न को जानेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट को जानेंगे और धीरे धीरे करके आगे सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अगर आप एक बिगिनर्स हैं तो आपको मेरे दूसरे वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीजें, सो वहां पर आपको बेसिक से सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिक थोड़ा बहुत सीख लिया है, तो अब धीरे धीरे करके एडवांस सीखना स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैंडल के बारे में सीखेंगे बेसिक, कि कैंडल क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह का कैंडल बनता है और किस किस टाइम फ्रेम में हम लोग चेंज करते हैं, तो कैंडल का प्रभाव किस किस तरह से हमारे चार्ट पर पड़ता है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डीमैट अकाउंट भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को रीड करने सीखना चाहते हैं, या फिर बेसिकली अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कैंडल के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कैंडल के बारे में पता रहेगा तभी आप प्राइस एक्शन अच्छे से सीख सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैंडल के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, कौन सा बॉडी पार्ट होता है, कौन सा शैडो पार्ट होता है, कहाँ पर हाई बनता है, कहाँ पर लो बनता है, कितने प्रकार का कैंडल होता है, कितने मिनट का टाइम फ्रेम पर ओपन करने पर किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होता है, और वीडियो के एंड में मैं आपको लास्ट में ये भी लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहीं से आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग में ब्लैक कलर का कैंडल लिया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कैंडल दो प्रकार का होता है। पहला ग्रीन कलर का कैंडल होता है, जिसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, और दूसरा रेड कलर का कैंडल होता है, जिसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक कलर का कैंडल लिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल का ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। ये कैंडल का बॉडी पार्ट कहलाता है। ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई, कैंडल का हाई ये वाले पॉइंट को बोलते हैं, और कैंडल का लो ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा ये वाला जो आपको पतला सा डंडी दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलते हैं शेडो। और चूंकि ये ऊपर की तरफ बना हुआ है इसलिए हम लोग इसको अपर शेडो बोलते हैं। और नीचे की तरफ ये वाला शेडो जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर शेडो। तो इस तरह से अपर शेडो, लोअर शेडो, हाई, लो, और यहाँ पर बॉडी बनता है। अब कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, वो अलग अलग कलर के कैंडल पर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको ग्रीन कलर का कैंडल पर सबसे पहले लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर होता है ओपन। ग्रीन कलर के कैंडल में ओपन यहाँ पर नीचे की तरफ होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, यहाँ पर हाई होगा, यहाँ पर लो होगा, ये लोअर शैडो होगा, ये अपर शैडो होगा, और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैंडल का बॉडी, ठीक है। चाहे रेड हो या फिर ग्रीन, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर ओपन यहाँ नीचे में हो रहा है और क्लोजिंग ऊपर में हो रहा है। सिमिलरली अगर आप रेड कैंडल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर होता है इसका क्लोज, ठीक है। तो आपको बस इतना ही डिफरेंस याद रखना है कि ग्रीन कैंडल के अंदर नीचे में ओपन होता है, ऊपर में क्लोज होता है, रेड कैंडल के अंदर ऊपर में ओपन होता है, नीचे में क्लोज होता है। बाकी सारी चीजें सेम होगी, ये हाई होगा, ये हाई होगा, ये लोअर शैडो होगा, ये अपर शैडो होगा, और ये वाला होगा बॉडी। सब कुछ सेम है, आपको सिर्फ ओपन और क्लोजिंग पॉइंट को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ में आएगा आपको कि कहाँ पर ओपन क्लोज, कहाँ पर क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ये वाला क्या है, बॉडी पार्ट, चाहे रेड हो या ग्रीन दोनों का। ये वाले को हम लोग बोलते हैं लोअर शैडो, ठीक है। ये वाला हो गया लोअर शैडो, ये वाला हो गया अपर शैडो। आप अपने नोट्स अगर तैयार कर रहे हैं तो नोट्स में भी इस तरह से आप बना करके रखिएगा, ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो, कभी अगर कन्फ्यूज हो तो उसको आप रिवाइज कर सकें। तो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला को हम लोग बोलते हैं हाई, ठीक है।
और नीचे की तरफ ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लो। ठीक है, बस कैंडल के अंदर इतना ही चीज होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, सब कुछ सेम है, हाई इसको बोलते हैं, अपर अपर साइड इसको बोलते हैं, बॉडी इनको बोलते हैं, लोअर साइड इसको बोलते हैं, लो इसको बोलते हैं, सब कुछ दोनों में सेम है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि रेड जो वाला जो कैंडल रहेगा उसमें ऊपर की तरफ ओपन होगा और ग्रीन वाले में नीचे की तरफ ओपन होगा, और रेड वाले में क्लोज यहां पर हो रहा है नीचे में, इसको यहां पर भी बोल सकते हैं, और ग्रीन वाले में यहां पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, रेड वाले में ऊपर में ओपन होता है नीचे में क्लोज होता है, तब ये हमारा क्या बनता है, रेड कैंडल बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिश कैंडल। ठीक है, और ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कैंडल बोलते हैं, इसी को हम लोग बुलिश कैंडल के नाम से भी जानते हैं। इतना चीज होता है कैंडल के अंदर। अब अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये 5-5 मिनट के अंदर कैंडल बना हुआ है, यानी कि हमने यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वाला जो रेड कैंडल बना हुआ है 5 मिनट के अंदर बना है, ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है ये भी 5 मिनट के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ओपन यहां पर हुआ रेड वाला कैंडल, क्लोज यहां पर हुआ। ठीक, तो यहां पर ओपन हो रहा है, मार्केट 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो 5 मिनट के अंदर ओपन होने के बाद ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट किया, जो भी किया, लास्ट में यहां पर क्लोजिंग दे दिया, तो ये रेड कैंडल इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, डोंट वरी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें ग्रीन वाले में देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, क्लोज। तो यहां पर स्टार्टिंग वाले मिनट में क्या हो रहा है, ओपन तो यहां पर हुआ, बीच में यहां पर फ्लक्चुएट किया ऊपर नीचे मार्केट, और क्लोज लास्ट में यहां पर हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो मान लो कि कोई शेयर है जिसका प्राइस यहां पर कितने में ओपन हो रहा है, 10 रुपए में ओपन हो रहा है। ठीक है, और क्लोज यहां पर 15 रुपए में दे रहा है, इसका मतलब इसका प्राइस क्या हुआ, 10 से बढ़ करके 15 हो गया, मतलब मार्केट क्या है, बुलिश है। लेकिन जब ओपन हुआ प्राइस, तब उसके बीच में क्या हुआ, नीचे की तरफ भी यहां पर फ्लक्चुएट किया, तो इसका प्राइस 5 रुपए भी आया था उसी 5 मिनट के अंदर अंदर में, और उसी 5 मिनट के अंदर अंदर में हाई भी यहां पर बनाया हुआ था 20 रुपए का। सो ये जो मार्केट का प्राइस है, 10 रुपए में ओपन हुआ, 5 रुपए तक नीचे की तरफ गया, 20 रुपए तक हाई बनाया, और लास्ट में क्लोज 15 रुपए में दे दिया। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊं, तो यहां पर आप देखिएगा, मार्केट यहां ओपन हुआ, फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक, और लास्ट में यहां पर क्लोज दे दिया, ये 5 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर मान लो 10 रुपए में ओपन हुआ, यहां पर 5 रुपए तक नीचे गया, यहां पर 20 रुपए तक हाई गया, और लास्ट में 5वें मिनट में यहां पर 15 रुपए में क्लोज दे दिया। तो ये कुछ इस तरह का कैंडल हमारे सामने बन करके आ गया। इसी तरह से रेड कैंडल में भी बनता है, तो ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहां पर ऊपर गया कहां पर नीचे गया। अगर एग्जांपल यहां पर मैं बताऊं, तो हम लोग मान सकते हैं कि 10 रुपए में यहां पर ओपन हुआ और 5 रुपए में क्लोज हुआ, यानी कि मार्केट अधिक प्राइस में ओपन हुआ और कम प्राइस में क्लोज हुआ, इसका मतलब मार्केट बेयरिश रहा है, और ऊपर की तरफ यहां पर हाई 10 से बढ़कर के 15 रुपए भी गया था, और यहां पर नीचे की तरफ 5 रुपए से नीचे गिर करके 2 रुपए तक भी आ गया था, लेकिन लास्ट में यहां पर 5 रुपए में क्लोजिंग दे दिया। तो फाइनली 10 रुपए में ओपन हुआ, 5 में क्लोज हुआ, तो यहां पर मार्केट बेयरिश रहा, इसलिए हमारा रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, यहां तक आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको टाइम फ्रेम के बारे में अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो यहां पर आप देखेंगे कि दो कैंडल बन रहा है, 5-5 मिनट के अंदर बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल बना स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद रेड कैंडल बना, इसका मतलब यहां पर प्राइस क्या हो रहा है, इसका ओपन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, क्लोज, और इस रेड वाले कैंडल में क्या हो रहा है, यहां पर ओपन हो रहा है और यहां पर हो रहा है क्लोज। अब देखिए, ये 5 मिनट के अंदर बना है, ये 5 मिनट के अंदर बना है, अगर इस टाइम फ्रेम को हम लोग चेंज करके 10 मिनट में कर देते हैं तो हमारा किस तरह का कैंडल बन करके आएगा। ठीक है, और हाई को भी देखना है, ये वाला है हाई और ये है लो। चलिए अब हम लोग 5-5 मिनट का दो कैंडल को एक साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करके देखते हैं किस तरह का बनता है। प्राइस ओपन हुआ तो यहां पर ओपन हुआ, ठीक है,
इस वाले पॉइंट पर प्राइस ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हमने लिख लिया। अब यहां पर लास्ट वाले कैंडल में क्लोज कहां पर हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है क्लोज इसका, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्लोज बन रहा है। अब इनको हम लोग मिला लेंगे, तो ये हो गया हमारा कैंडल। अब लो इसमें सबसे नीचे कहां तक बन रहा है, तो लो यहां पर बन रहा है, ठीक, इस वाले लेवल को हम लोग मार्क कर रहे हैं। और हाई कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है, तो ये वाले लेवल को हम लोग क्या करेंगे, यहां तक को हाई मार्क कर लेंगे। तो इस तरह का हमारा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में, जहां पर हाई ये वाला है, लो ये वाला है, ओपन यहां पर हो रहा है और क्लोजिंग यहां पर दे रहा है। समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको चार्ट का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराता हूं, आगे लेकर के चलता हूं। तो यहां पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से और क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ओपन हो रहा है यहां पर, क्लोज यहां पर दे रहा है, इसमें ओपन कहां हो रहा है, ऊपर में ओपन हो रहा है और यहां पर हो रहा है क्लोज। ग्रीन वाले में नीचे में ओपन हो रहा है, ऊपर में हो रहा है क्लोज। एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको अपर शैडो देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक कैंडल में ऊपर की तरफ अपर शैडो रहे, ये अपर शैडो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा छोटा भी हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पर शैडो हो ही ना, नीचे की तरफ भी ना हो। ऐसा रेड वाले और ग्रीन वाले दोनों कैंडल में ऐसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर अपर शैडो तो बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो जहां पर अपर शैडो नहीं बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग पॉइंट भी यही होगा और हाई वाला पॉइंट भी यही होगा, तो दोनों पॉइंट हम लोग इसी को मानेंगे। अगर रेड वाले में होता तो, अगर मान लो यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला रेड वाला कैंडल नहीं होता, यहां तक ही रहता, तो इसी को हम लोग क्या मानते, ओपन, और यहीं पर हमारा लो होता, दोनों चीज हम लोग इसी को मान लेते, ठीक है। सो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए, यहां पर ओपन हो गया, यहां क्लोज हो गया। अब रेड वाले में क्या होगा, यहां पर ओपन हो रहा है और यहां पर हो रहा है क्लोज। अगर आपको ओपन और क्लोज में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो सिंपली आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। रेड कैंडल बन रहा है तो ओपन यहां पर होगा और यहां पर क्लोज, ये आप नोट करके रख लीजिए। अगर यहां पर ग्रीन बन रहा है तो आपको यहां पर क्लोज ऊपर में होगा और ओपन नीचे में होगा, इस तरह से आपको मार्क करके रख लेना है। ये आपको इजीली याद हो जाएगा कि रेड वाले कैंडल में ऊपर में ओपन होता है, नीचे में क्लोज देता है, ग्रीन में नीचे में ओपन होता है, ऊपर में क्लोज देता है। अब हम लोगों को ये बनाना है कि अगर हम लोग पाँच मिनट का एक कैंडल यहां पर लिए हुए हैं, ये पांच मिनट का कैंडल बना हुआ है, ये पांच मिनट के अंदर बना हुआ है, ये पांच मिनट के अंदर बना हुआ है, अगर चारों कैंडल को हम लोग एक साथ जोड़ दें तो 20 मिनट के टाइम फ्रेम में किस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि इन चारों को अगर हम लोग एक कैंडल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसा कैंडल बनेगा। तो यहां पर हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं किस तरह के बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वाले कैंडल को आपको देखना है ओपन कहां पर हो रहा है, ये वाले पॉइंट पर हो रहा है, हम लोग यहां पर ओपन ये वाले पॉइंट को मान करके चलते हैं। यहां पर ओपन ये वाले पॉइंट को हमने इस तरह से कैंडल को मार्क कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट वाले कैंडल में आपको देखना है कि क्लोजिंग कहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ पर आपका क्लोजिंग दे रहा है, तो ये वाले पॉइंट पर हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हमारा क्लोज दे रहा है और ये वाला हमारा क्या है, ओपन पॉइंट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ओपन नीचे में हो रहा है, क्लोज ऊपर में दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा कैंडल बन रहा होगा, ग्रीन कैंडल बन रहा होगा, ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल। अब आपको हाई और लो ड्रॉ करना है, तो हाई और लो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला है लो, ये है लो, ये है लो और ये है लो और ये है हाई, यहाँ पर हाई तो है नहीं, यही वाला हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई। तो आपको हाई और लो सबसे स्टार्टिंग वाले कैंडल और लास्ट वाले कैंडल का देखना है, बीच वाले कैंडल को आपको अभी नहीं देखना है, ठीक है। बीच वाले कैंडल को भी देखा जा सकता है, अगर मान लो इसका हाई यहाँ पर बना देता तो ये वाला हमारा हाई हो जाता, तो यहां पर हम लोग हाई को मार्क कर लेते, समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा हाई कौन से कैंडल में बना हुआ है, यहीं पर बना हुआ है, तो यहां पर को हम लोग मार्क कर लेंगे, ये वाला हमारा हाई बन गया। और सबसे ज्यादा लो कहां पर है, ये वाला है, तो यहां पर हम लोग ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और यहां पर हम लोग लो ड्रॉ कर लेंगे।
तो अब आपको समझ में आ गया, हाई यहां पर बन रहा है, लो यहां पर बन रहा है, ओपन यहां हो रहा है, क्लोज यहां हो रहा है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल बन रहा है, बुलिश कैंडल है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को 20 मिनट में कन्वर्ट किए तो इन चारों कैंडल को जोड़ने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का कैंडल बन करके आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लाइव मार्केट के अंदर कि किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लिया है। सो यहां पर मैं आपको कैंडल को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सब कुछ लाइव आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैंने यहां पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पर ओपन किया हुआ है और ये जो कैंडल एक एक कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये 5-5 मिनट के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे कैंडल 5-5 मिनट के अंदर बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो ग्रीन कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर में होता है। तो यहां पर जो ग्रीन कैंडल बन रहा है इसका ओपन नीचे में हुआ है, तो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको ये है हमारा ओपन पॉइंट। ठीक है, ग्रीन कैंडल का ओपन। और यहां पर लो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, ये है अभी लो, लेकिन अभी ये कैंडल कंप्लीट बना नहीं है तो ये कैंडल नीचे की तरफ भी आ सकता है। जैसे ही ये वाला पॉइंट के नीचे आता है अगर ये कैंडल, तो ये रेड कैंडल में बदल जाएगा ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो यहां पर ओपन है अभी फिलहाल और यहां पर आप देख सकते हैं रेड कैंडल बन गया है, नीचे की तरफ आ गया था अभी, तो नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब जहां से ओपन हुआ उससे अगर नीचे आता है तो ये फिर रेड कैंडल बन जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है रेड कैंडल के अंदर क्या होता है, ओपन यहां पर होता है ऊपर में और क्लोजिंग नीचे में होता है। ठीक है, तो यहां पर ओपन हुआ है, अगर नीचे जाता है ये तो नीचे की तरफ ये क्लोज देगा। ठीक है, अगर यहां से ऊपर जाता है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको तो आप नोट कर ही लिए हो पहले से ही। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाइव की किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 5 मिनट के अंदर हो रहा है, तो ये जो कैंडल बनेगा वो 5 मिनट तक ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहेगा और एंड टाइम में जहां पर क्लोज देगा उसके हिसाब से हम लोग यहां पर बता पाएंगे कि मार्केट बुलिश रहा या फिर बेयरिश रहा, क्योंकि अभी 5 मिनट के अंदर कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से ये वाला कैंडल बना हुआ था, तो इसमें हम लोग हाई लो ओपन क्लोज कहां पर देखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाले कैंडल में ओपन हुआ है और यहां पर क्लोज हुआ है, यहां पर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है हाई और यहां पर नीचे की तरफ यहां पर लो बन रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये वाले कैंडल में भी बना हुआ है जिसमें ओपन कहां पर हुआ है, यहां पर हुआ है ओपन, यहां पर हुआ है क्लोज और यहां तक गया है हाई और यहां तक गया है लो। और इस पूरे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक को बॉडी बोलते हैं और ये वाला जो छोटा सा डंडी दिख रहा है इसको हम लोग शैडो बोलते हैं। ठीक है, ये अपर शैडो हो गया और ये वाला लोअर शैडो हो गया। तो इस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पर देखिए हमने 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं तो ये इस तरह से बन रहा है। अगर हम लोग इसको 15 मिनट के कैंडल में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर है 15 मिनट का हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ अलग टाइप का यहां पर कैंडल का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर 2-3 रेड कैंडल दिख रहा था, वो सारे के सारे एक ही रेड कैंडल में तब्दील हो गया है। ठीक है, यानी कि ये जो सिंगल कैंडल आपको ये वाला लास्ट वाला दिखाई दे रहा है रेड वाला, वो 5-5 मिनट के 3 कैंडल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हैं ये तीनों कैंडल से मिलकर के वो एक कैंडल बना हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा हाई ये वाला पॉइंट पर दिखाई दे रहा है आपको, इसका भी हाई सेम है, तो यहां पर हम लोग हाई पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग हाई पॉइंट को मार्क कर लेते हैं और देखिए ओपन कहां पर हुआ है, यहां पर ओपन हुआ है। तो पहले कैंडल में आपको देखना ओपन यहां पर हुआ है, तो यहां पर हम लोग ओपन ले लेते हैं, तो यहां पर हमने ओपन मार्क कर लिया, ऊपर की तरफ हाई ये वाला है। ठीक, अभी ये तीसरा वाला जो कैंडल है वो क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, ये अभी बन रहा है। ठीक है, तो जब बन जाएगा कंप्लीट तब हमको पता चलेगा कि कहां पर ये क्लोजिंग दे रहा है। तो इस कैंडल को फॉर्मेट होने देते हैं, बनने देते हैं, इसके बाद हम लोग एक कैंडल को बनाएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग लो को यहीं पर मान करके चलते हैं, ये वाले पॉइंट को ही, तो हम लोग ये वाले पॉइंट को लो मान लिए हैं। ठीक है, अभी ये कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह का कैंडल बनता है। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर रेड होगा या फिर ग्रीन होगा, तो वो आपको पता है कि किस तरह से रेड और ग्रीन बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनने देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं लाइव ये वाला जो कैंडल है वो कंप्लीट बन गया है, अब नेक्स्ट कैंडल यहां से बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारा लो ये वाला है, तो हम लोग इस पॉइंट को लो मार्क कर लिए, हाई हमारा ये वाला है तो हाई हमने यहां पर मार्क कर लिया,
अब देखिए ओपन हमारा ये वाला पॉइंट यहां पर था, ठीक है ना, वो अगला कैंडल आ गया, इसलिए यहां पर इसका जगह चेंज हो गया। तो यहां पर ओपन था, तो यहां पर हमने ओपन मार्क कर लिया। क्लोजिंग कहां पर दिया है, यहां पर दिया है, तो ये वाले पॉइंट को हम लोग क्लोजिंग मान लेते हैं। और इस तरह से हमारा 15 मिनट का एक कैंडल रेडी हो गया, इसको हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 15 मिनट के अंदर बना हुआ है, ये भी जो कैंडल दिख रहा है आपको 15 मिनट के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग कैंडल को रीड करते हैं, कैंडल को हम लोग समझते हैं कि कहाँ ओपन कहाँ पर क्लोज, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, रेड कैसे बनता है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल बना है क्यों बना है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ क्लोज हुआ ठीक है, लेकिन कौन कर रहा है ये सारी चीजें? तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, जो ऑप्शंस बायर होते हैं या फिर कोई शेयर्स, जैसे हमने क्या अभी ओपन किया है निफ्टी 50 को ओपन किया हुआ, तो ये एक इंडेक्स है। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं उन्होंने इस प्राइस को बढ़ाया हुआ है, कि यहाँ पर जो प्राइस था उस प्राइस को ऊपर ले गया कौन, तो ऊपर ले गए हैं बायर्स, बाई कर करके ले गए हैं, ठीक है। और इसके बाद जब प्राइस यहाँ पर फिर से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, इसका मतलब यहाँ पर कौन थे, सेलर्स थे, यानी कि इसका प्राइस बढ़ा और सेलर्स अपना सेल कर दिए। सेल करने के बाद इसका प्राइस फिर से गिर गया। अब फिर से गिरने के बाद यहाँ से ओपन हुआ और फिर से बायर्स ने बाय कर लिया और बाय किया, तो यहाँ तक इन लोगों ने लेकर के चले गए इस प्राइस को। फिर से मार्केट 15 मिनट में स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेकर के सेलर्स लोग यहाँ तक लेकर के आए, तो यहाँ पर सेलर्स थे, यानी कि मार्केट अगर बढ़ रहा है तो बायर्स हैं, मार्केट गिर रहा है तो सेलर्स हैं, ठीक है। आई होप आपको कैंडल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे, ये किस किस तरह के पैटर्न है। अगर ये दो कैंडल है आपको दिखाई दे रहा है तो ये किस तरह का कैंडल है, और इस तरह के कैंडल के फॉर्मेशन से क्या हम लोग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, क्या हम लोगों को मतलब निकल करके आता है कि मार्केट किस तरह से बुलिश रहेगा किस तरह से बेयरिश रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए डोजी कैंडल बन रहा है, तो ये कौन से टाइप का डोजी कैंडल है ये हम लोगों को जानना है। फिर डोजी कैंडल बनने से क्या होता है, कैसे प्राइस ऊपर जाता है, कब प्राइस नीचे जाता है, कब ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सीखना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैंडल के बारे में बेसिक। अगर आपको ये पता रहेगा देन आप नेक्स्ट क्लास को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।